हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ईज लर्निंग माई नेम इज़ मोनिका सहगल एंड टूडे वी विल डिस्कस नेल लॉडिंग्स आज हम बात करेंगे नेल लॉडिंग्स के बारे में जो अमेरिका की एक एजुकेटर फिलोसफर थी तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं देखिए हमने थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लास्ट टू वीडियोज़ में हमने जय कृष्णा मूवी और पापर ऑफ फेरे को डिस्कस किया था और हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात कर रहे हैं फिलहाल तो अभी तो नेल लॉडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो अमेरिका से बिलोंग करती थी अमेरिका में जन्म हुआ था इनका 1929 में और 2015 में इनकी डेथ हुई थी देखिए ये एजुकेटर थी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन को दी वीमेंस एजुकेशन की बहुत बात की फिलोसोफर थी तो उनकी कुछ फेमस बुक्स भी हैं जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो एक स्टोरी की तरह हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए देखिए नाइन्टीन में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में तो इन्होंने अपने स्टार्टिंग ईयर्स के सेवनटीन ईयर्स एज अ टीचर काम किया एज अ मैथ्स टीचर प्राइमरी और हाई स्कूल में प्राइमरी हाई स्कूल में इन्होंने मैथ्स टीचर काम किया फिर ये प्रोफेसर बन गए प्रोफेसर बन बने स्टैंडफोड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने वहाँ पर फिर बाद में डीन बने और अपनी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली तो इन्होंने अपनी एजुकेशन और अपने करियर को कभी रोका ही नहीं पीएचडी की थी इन्होंने एजुकेशन में और फिलासिफर थी बहुत बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है कि वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया इन्होंने फेमिनिस्ट थे फेमिनिस्ट आपको पता होगा जो वीमेंस राइट right के लिए बात करते हैं जो वीमेन्स के इक्वल राइट्स की बात करते हैं फेमिनिस्ट जो कहते हैं कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल और वीमेंस की बेसिक राइट्स क्या हैं एजुकेशन बेसिक राइट्स हैं उन्हें वो देना चाहिए उनके और क्या क्या राइट्स हैं तो एक की तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की साथ साथ जो आज हम करिकुलम देख रहे हैं बच्चों का वो करिकुलम इन्होंने उस टाइम पर ही डिसाइड कर लिया था कि जो करिकुलम हो वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो करिकुलम ऐसा ना हो कि जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट ना हो और टीचर जो है एक आइडल रोल प्ले करता है अब बच्चों के एजुकेशन में तो अगर टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये चीज़ें फॉलो करें तो उसके लिए टीचर को आपको वैसा बनना पड़ेगा तो अपने पूरे करियर में इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी दी और एक मॉरल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ इनकी बात की इन्वायरमेंटल ईशूज़ के लिए कंसर्न इनको शुरू से ही था तो सबको एजुकेट करना इन्वायरमेंट के बारे में कि आपको इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना या चीज़ों के जो रिसोर्सेज़ हैं वो लिमिटेड हैं उनको लिमिटेड तरीके से ही यूज़ करें है, या ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना ये सब चीज़ें इनकी बातों में थी तो इन्होंने इनकी बातों में आपको सोसाइटी सोसाइटी के जो इश्यूज होते हैं सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज़ एथिक्स मॉरल वैल्यूज़ डेमोक्रेसी ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी देखिए जब इन्होंने शुरू में काम किया था एज अ टीचर प्रोफेसर और डीन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने खाली ना बैठ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की उसके बाद इन्होंने जॉन डेवे के साथ काम किया जॉन डेवे की एक क्लास लेकर आपको जॉन डेवे के बारे में अच्छे समझाएंगे तो जॉन डेवे के साथ उन्होंने जब काम किया तो इनकी जो फिलॉसफी थी जॉन डेवे की वो भी इनके अंदर आ गई दैट मीन्स आप दो लोग एक साथ काम करते हैं इनके एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया था और बच्चों के एजुकेशन के लिए विमेंस एजुकेशन के लिए बहुत काम किया तो जॉन डेवे की जो चीज़ें थी जो उनकी बेस्ट चीज़ें थी वो भी नैन लॉडिंग्स ने ली और इनके साथ काम करके तो इनकी फिलॉसफी भी इंक्लूड हो जाती है इसमें तो इनको लर्न करना भी इजी है क्योंकि जो जॉन डेवे की थिंकिंग और पॉइंट ऑफ व्यू थे वो नैन लॉडिंग्स में भी आ चुके थे तो ये जो फिलोसफर थी तो बच्चों की मॉरल वैल्यूज की टीचर टीचर का वो काम है कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करना या बच्चों को केयरिंग बिहेवियर देना एन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर बात करना ये टीचर का रोल है तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि टीचर के रोल को टीचर अपना रोल अगर अच्छे से करेंगे तो काम और आसान से हो जाएगा अब बात करते हैं इनकी फेमस बुक्स की सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन और फिलॉसफी को साथ में कंबाइन किया इनका कहना था कि फिलॉसफी जो एजुकेशन आस्पेक्ट है उसमें फिलासफी का होना जरूरी है तो एजुकेशन और फिलासफी को साथ में कंबाइन किया और एक बहुत ही फेमस बुक आई थी इनकी नाइनटीन में आई थिंक नाइनटीन में फिलासफी ऑफ एजुकेशन फिलासफी ऑफ एजुकेशन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था जय कृष्ण मूर्ति की बुक्स में आपको फ्रीडम दिखेगा वर्ड बार बार और पावलो पॉबलोफे में पैदाग्रॉजी दिखेगा चाइल्ड लर्निंग इनकी बुक्स में आपको एजुकेशन वर्ड दिखेगा बार बार हैप्पीनेस इन एजुकेशन थोड़ा लर्न करना इजी हो जाता है इसलिए हैप्पीनेस एंड एजुकेशन पीस एजुकेशन ठीक है उसके साथ साथ पीस एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी जो 2013 में रिलीज़ हुई थी लास्ट अपने जो लाइफ टाइम पीरियड में जो लास्ट का भी एक होता है जब आपकी डेथ नज़दीक होती है इतने एज हो जाती है तब भी एजुकेशन के लिए काम करते रहे बुक्स पब्लिश करते रहे और कुछ ना कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए करिकुलम को कैसे इन्हांस करना है इन सब के लिए इन्होंने काम किया एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी 2013 में आई थी फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन हैप्पीनेस एक बहुत फेमस बुक है केयरिंग the feminine approach of ethics ये बहुत फेमस बुक है इनकी ठीक है एजुकेशन एंड मॉरल पॉलिसीज एजुकेशन एंड मॉरल पॉलिसीज तो देखिए इनका जो करियर था वो एज अ टीचर स्टार्ट हुआ एज अ प्रोफेसर काम किया एज अ डीन भी इन्होंने काम किया फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की फिर जॉन डेवे के साथ काम किया वुमेंस राइट के लिए बच्चों की एजुकेशन के लिए और करिकुलम को बहुत इन्हांस करने की ज़रूरत थी ये कहते थे कि करिकुलम जो हो वो बच्चों के इंटरेस्ट का हो करिकुलम कैसा हो जो बच्चों के इंटरेस्ट का हो जो आज हम बात करते हैं कि करिकुलम स्टूडेंट इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए तो ये बात इन्होंने उस टाइम पर कर दी थी ठीक है कि आपने बच्चों को ज़बरदस्ती कोश टीच नहीं करना उनका इंटरेस्ट देखिए और उस हिसाब से उनका करिकुलम बनाइए और करिकुलम में इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत अच्छे से समझाने हैं आपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है तो इन चीज़ों पर कर बात करनी है बच्चों में मॉरल एजुकेशन कैसे देनी है बच्चों में एक केयरिंग बिहेवियर कैसे देना है दूसरों के प्रति चाहे आपके एल्डर्स हों चाहे एनिमल्स हों तो ये इन चीज़ों की बहुत बात करती थी कि वैल्यू एजुकेशन देनी है आपने बच्चों को और स्टार्टिंग से ही देनी है क्योंकि इनका कहना था कि हमने एजुकेशन देने का एक मेन रीज़न है कि एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना है और वुमेंस को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वेमेन एजुकेट होती है तो आपको पता है पूरी फैमिली एजुकेट होती है और वुमेंस का बेसिक राइट है एजुकेशन जो उस टाइम पर अप्लाई नहीं होता था तो ये चीज़ें थी इनके बारे में और एक बार दोबारा बुक्स डिस्कस कर लें तो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हैप्पीनेस इन एजुकेशन उसके साथ ही आपको हैप्पीनेस से पीस याद हो जाएगा हैप्पी है तो पीस है तो हैप्पीनेस के साथ पीस एजुकेशन एजुकेशन डेमोक्रेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होने चाहिए ह्यूमन बींग के वो बताया गया है एजुकेशन एंड मॉरल पॉलिसीज़ मॉरल वैल्यूज़ मॉरल जो एथिक्स हैं केयरिंग द फैमिली अप्रोच ऑफ एथिक्स ये भी इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है तो एग्ज़ाम में पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही और बाकी इनके बारे में पता होना चाहिए तो लास्ट 2013 तक ये बुक पब्लिश करते रहे और काम करते रहे और किसके साथ ज़्यादा काम किया था इन्होंने लास्ट में जॉन डेवे के साथ तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट थैंक यू